राजस्थान के बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में NH 27 पर नकाबबंदी कर गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। सूचना मिलने पर गौरक्ष व पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ट्रक में भरे गौवंश को गौशाला में छुड़वाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी मिलने पर SP मनोज गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए। गौरक्षकों ने बताया कि झालावाड़ की ओर से गौवंश से भरा ट्रक आ रहा था। इसकी सूचना मिलने पर इसका पीछा किया और सूचना पुलिस को भी दे दी। ट्रक में गौवंश भरे हुए थे। लोगों को ट्रक में भरे गौवंश का पता नहीं लग सके, इसके लिए ट्रक में आधे हिस्से में गौवंश भरे थे और ऊपर भूसा व आलू के कट्टे जमा रखे थे। ट्रक चालक ट्रक को तेज गति से चला रहा था। NH 27 पर फतेहपुर टोल पर भी तेज गति से निकालते हुए ट्रक बैरिकेड तोड़कर निकल गया। इसके बाद किशनगंज पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग कर ट्रक को NH 27 पर किशनगंज के पास रुकवा दिया। DSP मनोज गुप्ता ने बताया कि ट्रक में भरे गौवंश को मेडिकल करवाने के बाद बांसथोनी गौशाला में छुड़वाया है। वहीं ट्रक सवार पकड़े गए 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हेलो, देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।